नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहब आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। हम मैथमेटिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं दोस्तों। आपका छत्तीसगढ़ PSC व्यापम और नेशनल लेवल के जितने एग्जाम होते हैं उन सब की हम यूनिफॉर्म तैयारी कर रहे हैं। आज संडे को हम आप लोगों का टेस्ट हुआ था जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। मोनू जो हमारे RKR फैमिली का है उसने 30 out of 30 स्कोर किया है। वेरी गुड मोनू। और रुद्र निशी इन्होंने 27 out of 30 प्राप्त किया है। तो इन दोनों को बहुत बहुत बधाई जो फर्स्ट एंड सेकंड आए। आप भी टेस्ट दीजिए दोस्तों। इस बार 44 लोगों ने टेस्ट दिया था। तो मैं चाहूँगा कि जितने ज़्यादा लोग हैं, जितने आप लोग हैं, जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वो फ्री में टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, इसका फ़ायदा उठाइए। जो कि आपके कंटिन्यूस हर संडे को हम दे रहे हैं। लगातार 6 संडे हो गया, अभी तक 6-7 टेस्ट आप लोग का हो चुका है। जिन लोगों ने 6 टेस्ट दिया है, अपने में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस नज़र आएगा और डेफिनेटली आप धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखेंगे। चलिए, आज जो मैं क्वेश्चन कराया था उसको मैं सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहा हूँ और हम देखेंगे कि कैसे हम अप्रोच करते हैं विद इन 30 सेकेंड्स। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन को करा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 600 ऑफ पहला क्वेश्चन था हमारा 600 ऑफ 54% माइनस 580 ऑफ एक्स परसेंट इज इक्वल टू 92। एक्स परसेंट इक्वल टू 92। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो इसका आपको आंसर देना। देखिए, 600 ऑफ 54, तो 600 लिख लीजिए, ऑफ मतलब गुणा, 54 बटे 100 माइनस 580 ऑफ एक्स परसेंट मतलब एक्स बटे 100 बराबर कितना होना चाहिए, 92 होना चाहिए। अब देख लीजिए, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, या आप उसको ऐसा नहीं कर करना चाहते हैं तो दोनों का LCM तो सेम है, तो कैसे करेंगे, 600 गुणा 54 माइनस 580 गुणा एक्स बराबर ये 100 और 100 इधर गुणा हो जाएगा 9200। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24 की 4 हासिल आया, 2 6 5 30 और 2 32 ये 00। अब इसको माइनस किससे कर देंगे, 9200 से, तो कर दीजिए 00 2 9 में से 12 में से 9 गया 3 कैरी 1 2। अब इसको देखिए कितना गया, 2 3 2 00 बराबर 580 इंटू एक्स है। अब यहाँ से देखिए, इसको 580 से गुणा कर दीजिए, 580 तो यहाँ से इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, 1 0 1 0 कैंसिल। अभी दोस्त कट रहा है, 29 टाइम्स दोस्त कट रहा है, देख लीजिए, 2 एकम 2 एकम 2 6 12 2 5 फिर 29 से कटेगा, इसको कटा दीजिए 29 से 29 लगभग 3 टाइम्स कटेगा, है ना, तो लगभग 3 टाइम्स और 3 टाइम्स करेंगे तो इतना आ गया 9 3 27 के साथ हासिल आया, 2 9 3 2 6 2 8 देख लीजिए और जाएगा, तीन चौक 12 4 टाइम जाएगा, 4 4 9 जा 4 9 36 की 6 हासिल है, 3 4 2 8 3 11 116 हो गया, 5 0 को तो लगभग 40 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका अराउंड आंसर क्या हो जाता है, बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। इस तरीके से नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप बनाएंगे तो आपसे तुरंत बन जाएगा, देखिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, अप्रॉक्सीमेट आपका 40 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यही हमारा आंसर रहता है। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, किसी संख्या के x के
दो बटे पाँच का मतलब फिर से गुणा का तीन बटे चार बराबर कितना है 36 है। तो उस संख्या का x का 20% कितना हुआ ये आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए x 2 3 6 6 6 का 36 5 4 20 6 का 120। अब इसका 20% निकालना है तो गुणा 20/100 कर दीजिए, गुणा 20/100 0 0 0 12 2 24 इसका आंसर होगा दोस्तों। 24 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड दोस्तों, जिन लोगों ने बनाया, जिन लोग नहीं बनाया, देखिए दोस्तों इस तरीके से सॉल्व करना है आपको बहुत जल्दी से, जितना जल्दी हो सके सॉल्व करेंगे इस तरीके से फिर बनेगा आंसर। एक पुस्तक का मूल्य 10% बढ़ने पर उसके बाद 5% कम हो गया, पुस्तक में नवीन परिवर्तन। एक पुस्तक का मूल्य मान लेते हैं एक से, उसका मूल्य 10% बढ़ा मतलब 110/100 हो गया, गुणा 5% कम हो गया मतलब 95/100 हो गया। तो कितना परसेंट आया, मतलब x पहले 100% था, अब नेक्स्ट कितना है देख लीजिए। सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, आप जिन्होंने सेशन अटेंड नहीं किया है उनको तकलीफ तो जरूर होगा, है ना। तो देख लीजिए, डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 95 × 11, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 को मैं 10+1 लिख सकता हूँ, तो ये 950 + 95 5 9 5 14 4 हासिल है 1 10, तो बटे कितना हो गया 100, गुणा 100 कर दीजिए 100%। तो देख लीजिए इधर 20 से 20 कैंसिल, 104.5। पहले कितना था देखिए 100 था, अब कितना हो गया 104.5, तो कितना का परिवर्तन आया दोस्तों दोनों में 4.5% का परिवर्तन आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4.5% भी इंक्रीज हो जाएगा, बहुत आसान है देख लीजिए, है ना, इस तरीके से बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चावल की कीमत 20% कम होने पर, चावल का कीमत जो है बोल रहा है चावल की कीमत कितना परसेंट, 20% कम होने पर एक व्यक्ति 3.5 kg चावल एक्स्ट्रा खरीदता है, कितने 77 रुपये में, तो चावल का प्रति किलो मूल्य रहा होगा क्या, रहा होगा प्रति किलो मूल्य होगी चावल की कीमत में 20% कम होने पर, कोई भी कीमत कम होगा तो आपको सेम रुपए में वस्तु ज्यादा मिलेगी। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, तो इसमें बोल रहा है चावल की कीमत में 20% कम होने के बाद 3.5 kg 77 रुपए में चावल अधिमूल्य है, तो प्रति किलो का मूल्य क्या होगा, मान लेते हैं प्रति किलो का मूल्य x रुपए पर kg है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले 77 रुपए में जितना भी खरीदता था, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 100 रुपए है आपके पास और 50 रुपए प्रति केजी जो है आपका शक्कर मिलता है या चावल मिलता है, तो 100 रुपए में कितना मिलेगा, 100/50 करोगे ना तभी तो आपको 2 किलो मिलेगा। ठीक है, अब मूल्य में कमी आएगी तो 100 रुपए में ही, जैसे आपका 40 रुपए हो गया मान लेते मूल्य, तो 100 रुपए में ही 40 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 kg आएगा। अब यहाँ पर तो यहाँ पर जो 0.5 kg आपको ज़्यादा मिल रहा है दोनों का डिफरेंस, तो सिमिलर वे में जाएंगे आप 77 रुपए में कितने किलो चावल, तो 77/x इतना किलो चावल मिलेगा जो भी केजी। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट, 20% कम हो गया, 77/20% कम हो गया एक्स का मान, एक्स का 20% का मतलब 80% हो गया, 80/100 मतलब 4/5 हो गया, तो एक्स का 4/5 x हो गया, तो केजी कितना मिलेगा, जो भी तो जो भी केजी मिल रहा था वो 3.5 kg ज़्यादा मिल रहा था इसके कंपेरिजन में, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 5 × 77/5/4 x
-77 बाई एक्स अब इज इक्वल टू कितना है 3.5। तो 77 बाई एक्स करेंगे तो आपको क्या आ रहा है 5/4 -1 दैट इज इक्वल टू 3.5। तो यहाँ से आप देखेंगे चार में से एक गया तो कितना हो गया 5। 77 बाई एक्स आप इसको 3.5 को 4 से इंटू कर दीजिए तो 77 बाई 7 14 हो जाएगा ये बराबर x 14 एकम 14 पंचे 70 14 पंचे 70 तो x मान रुपये प्रति केजी। तो ये उसका मूल्य रहा होगा 5.5 रुपये पर केजी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया था परसेंटेज वाले प्रॉब्लम्स में, तो ये इस तरीके से आपको डील करना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं, इस तरीके से हम आपको डील करना है और क्वेश्चंस को बनाने हैं। मैं जो जो क्वेश्चंस टिपिकल प्रॉब्लम्स थे उनको बता रहा हूँ यहाँ पर, और सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको इसके टेस्ट के वीडियो में दिया है। तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है वीडियो पुराना वीडियो देखिए, जो टिपिकल प्रॉब्लम्स है मैं उसको यहाँ पर क्लियर करा रहा हूँ। इन अ पेपर 80% स्टूडेंट किस में पास हुए, इंग्लिश में पास हुए। 85% किस में पास हुए, मैथ्स में पास हुए। एंड 75% ई यूनियन एम इंटरसेक्शन एम दोनों में पास हुए बोथ सब्जेक्ट में। ये 40 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। अगर 40% जो है, नहीं 40 स्टूडेंट बोला है, 40 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 स्टूडेंट फेल्ड हुए, क्या हो गए, फेल्ड हो गए बोथ सब्जेक्ट में। लेकिन ये जो है पासिंग का दिया है आपको, पास का दिया है, ये पास का दिया है और ये भी पास का दिया है। 40 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स बोला है, ठीक है। 75% इन बोथ सब्जेक्ट पास इन, ठीक है। चलिए अगर 80% यहां पर स्टूडेंट पास हुए तो यहां पर देखिए 75% टोटल है। देख लीजिए दोस्तों इस तरीके से बनाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं देखते हैं। तो आपको मैंने बताया था ए इंटरसेक्शन यूनियन बी का फार्मूला, तो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ देखिए ए 80 धन 85 माइनस 75 तो कितना हो जाएगा, इसमें 10 गया तो 10, तो ये 90% आएगा, जो कि आपके किसी न किसी सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट है। कि दोनों मिला के या इंग्लिश या तो मैथ्स मिला के कुल कितने लोग 90% लोग पास हुए। तो 10% लोग क्या हो गए थे, फेल्ड हो गए थे। तो फेल्ड 10% हुए जिसका बांध कितना था 40, तो 100% स्टूडेंट के बराबर, तो 100% स्टूडेंट बराबर निकालेंगे तो 40 गुड़ा 10 आ जाएगा। तो 40 गुड़ा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 टोटल स्टूडेंट रहे होंगे। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरीके से बनाते हैं बहुत जल्दी से आपका आंसर आता है, देख लीजिए इस तरीके से, है ना। उसके बाद नया क्वेश्चन एक कराता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी गई, एक वर्ग है इसकी भुजा 10% बढ़ा दी गई, 10% बढ़ा दिया हमने। तो x को अगर 10% बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 110 हो गया। 110 गुणा 110 बटे 100 करेंगे, मैंने आपको बताया था। अब आप इसको माइनस कर दीजिए 100 से, जन्म 11 में 121 माइनस 100 करेंगे 21% इसका आंसर हो जाएगा, 21% इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आंसर आते हैं बहुत आसानी से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्रिकेट के एक मैच में तीन खिलाड़ियों ने 25 का औसत स्कोर बनाया, तीन खिलाड़ी जो है थ्री प्लेयर्स ने औसत कितना बनाया 25, तो समेशन ऑफ P3 प्लेयर इक्वल टू 25 दिया कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। पांच खिलाड़ियों ने 15 का समेशन और P5 ने कितना बनाया 15 का औसत, 15 पंचे 75 हो गया। नेक्स्ट और बाकी तीन खिलाड़ियों ने समेशन आप देखिए पांच और तीन 8 हो चुका है, अब P9 P10 P11 इन लोगों ने कितना कितना बनाया 10
19 और 24 रन बनाए। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, देखिए आंकड़ों का योग यहाँ तक मिल चुका है, फिर इसको जोड़ दीजिए, 19 है या 19 है ना, तो 4 और 3 9, 4 13 के 3 हासिल आए, 2 1 3 और 2 5 53 हो गया, और 75 प्लस 75 कितना हो गया 150, तो 150 150 प्लस 53 302 है ना, इस तरीके से 203 टोटल स्कोर पूरे 11 प्लेयर का योग कितना आया 203 आया। तो औसत क्या निकालता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो 11 से डिवाइड कर दीजिए इसको जल्दी से, तो 11 एकम 11 कितना बचा 9, साढ़े 3 को 11 अट्ठे 88, 5.4 18.4 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन था ए। बहुत आसान है दोस्तों, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से हमको क्वेश्चंस को बनाने हैं, तो इस तरीके से आपका बनता है क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना है आपको, 549, 423, 618, 725, 786 और कितना है 552 का एवरेज कितना होगा, बस आपको बताने हैं, तो देख लीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं आप लोग, इसके किसके अराउंड है ये, अगर आपको कुछ नहीं करना है डायरेक्ट जोड़ दीजिए सबको बटे 1 2 3 4 5 6, तो आप ये जानते हैं, बस इसको जोड़ के आपको 6 का भाग देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 608.83। कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आप जोड़ेंगे आंसर तुरंत आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको जोड़ लेंगे और ऑप्शन ले आएंगे, ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ है नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट, यदि 200 प्रेक्षणों का औसत 42 है, 200 प्रेक्षणों का औसत, 200 मानों का औसत कितना है 42 है, अब क्या बन रहा है, सब में 2 जोड़ दिए प्लस 2 कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि जो भी संक्रिया जो भी ऑपरेशन इसमें लगाएंगे वो सेम ऑपरेशन इसमें लग जाएगा, तो 44 इसका आंसर हो जाएगा, तो 44 इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये जितने क्वेश्चंस हैं आपके CGPSC और व्यापम के क्वेश्चंस को मैं लिया हूँ, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि PSC और व्यापम के ही मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैंने आपको डायरेक्ट लिए हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम 30 फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है n+1/2, तो 30+1/2 दैट इज 15.5 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो आज जो कि ऑप्शन बी है। लगातार 5 संख्याओं का औसत, लगातार 5 संख्या है ABCDE का औसत 16 है, मैंने बताया था बीच वाला संख्या 16 होगा, तो बड़ी संख्या 17 और ये 18, तो सबसे बड़ी संख्या 18 होगी दोस्तों। तो देखिए टेक्निक सीखिए, आपके पास 10 सेकंड में आंसर आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, बहुत आसानी से बनता है क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखा नहीं रहा हूँ मैं, जिन लोग से पास क्वेश्चन पेपर नहीं है डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, आप जो डाउनलोड करके वहाँ पर आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो सेट कर रहे हैं आपके लिए पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं CGPSC और व्यापम के, तो इनका आपको फ़ायदा उठाना है दोस्तों। और जो प्रीवियस ईयर में, जैसे अभी कुछ दिनों बाद SEF का पेपर होगा, CGPSC प्री का पेपर होगा, तो उसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए अभी आप नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर 2 महीने में आपका लगभग रीजनिंग और मैथ्स जो है कंप्लीट हो जाएगा, और जनवरी में रिवीजन का सेशन करेंगे, और फरवरी में आपका एग्जाम है PSC का। तो इस तरीके से मैं टारगेट करके चल रहा हूँ, आपको सितंबर से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो ये सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीना लगता है, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो इस तरीके से मैं पूरा एक प्लानिंग के साथ आपके लिए सेशंस ला रहा हूँ, 2 का पावर 20 का एवरेज क्या होगा। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को आंसर नहीं दिया है। देखिए दोस्तों, किसी भी 2 संख्या का औसत निकालना है तो a+b/2 करते हैं। तो ये जो है आपका CGPSC में लास्ट ईयर पूछा गया था क्वेश्चन, और इसमें
इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में क्या थे इसके, इस तरीके से थे। तो देखिए दो को जोड़ेंगे तो 2 का पावर 9 आएगा, अब इसको 2 का पावर इसमें भाग देंगे तो 2 का पावर 19 आएगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं था। तो इस प्रश्न का आंसर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या दोस्तों, बस यही आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, 25 संख्याओं का औसत 0 है, 25 संख्याओं का औसत 0 है, 25 नंबर्स का एवरेज 0 है, तो इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती है, मैक्सिमम नंबर वो विच इज ग्रेटर देन 0 इज 1, कितना हो जाएगा? देखिए 1, 2, 3 इस तरीके से है, और एक अगर नंबर जो भी एक नंबर लिया -1, -2, -3, अब एक नंबर में 0 से बड़ा ले लिया या एक नंबर में पॉजिटिव ले लिया, तो जो कि इसके बराबर है 24 के, तो 24 नंबर मैक्सिमम हो सकते हैं अगर ये निगेटिव पॉजिटिव और एक इसके बराबर में निगेटिव नंबर ले लिया, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैक्सिमम जैसे मैं एग्जांपल के मान रहा हूँ -2, -3, अब मैं 3 नंबर है मानता हूँ, अब एक को मैं 5 ले लिया, तो अब इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 25 नंबर है तो 24 आपका निगेटिव हो गया, उसके बराबर एक पॉजिटिव, 100 सोनार के तो एक लोहार के कितने हो इसके टाइप के, 24 ठंड निगेटिव रहे पॉजिटिव रहेगा और एक अकेला निगेटिव आके उसको क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो 100 सोनार की एक लोहार की वाला एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया इसी तरीके से। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि आपके सीजी वापस में आए हुए हैं, और ये सहायक परियोजना अधिकारी क्वेश्चन है, 3 संख्याओं एक्स वाई जेड का एवरेज, एक्स बार आपका दिया है, लेमडा टाइम्स ऑफ वाई दिया है, तब जेड का मान क्या होगा? अब मेरे को ये बताइए एवरेज बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे आंकड़ों की संख्या, 3 बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ वाई, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा वाई। तो यहाँ से z का मान क्या हो जाएगा? z इक्वल टू 3 लैम्डा वाई माइनस एक्स माइनस वाई, जो कि आपका ऑप्शन था डी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। इस तरीके से आंसर बहुत आसान है दोस्तों, कुछ भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो यही चीज़ें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको सतर्क रहना है और आंसर इस तरीके से देना है। यहाँ तक कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचे। प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचे, कहाँ क्वेश्चन है दोस्तों? महत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त का क्वेश्चन है। तो छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या हो गया आपका? लघुत्तम पूछ रहे हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, याद है सबको कैसे करते हैं? इसका एलसीएम निकालते हैं, माइनस कर देते हैं इसको, एलसीएम निकाल लीजिए। जिन लोगों का फेवरेट तरीका ये है, और हम लोगों ने क्या बताया था इसका शॉर्टकट तरीका बताया था आपको, ये कितना है? 2 गुणा 3 है, ये 3 गुणा 3 है, ये 5 गुणा 3 है, और ये कितना है? 3 गुणा 9 है, सॉरी 9 गुणा 2 है। तो इसमें 18 को हमने एलसीएम मान लिया। अब 18 में क्या नहीं है? 5 नहीं है, 5 को ले आओ, 18 × 5 = 90 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 90 में से यहाँ तक पूरा डिविजिबल है, अब प्लस कर देंगे 4 को, तो 94 हो जाएगा। प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो ये प्रोसीजर हो गया। अब शॉर्टकट भी जानते हैं आप लोग। अब 9 से भाग देने पर 4 से, देखिए 104 है, 108 है, ऑप्शन में 94 है, 92 है, ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका संख्याओं का योग, अगर 9 से भाग देने का नियम क्या है, संख्याओं का 9 से भाग जाना चाहिए, तो इसमें संख्याओं का 5 आ रहा है तो शेष पर 5 बचेगा, इसमें 8 बचेगा, इसमें देखिए 4 है तो 4 ही बचेगा ना, इसमें 2 है तो 2 बचेगा। तो संख्याओं का योग देखिए 4, एक ही ऑप्शन बच रहा है, विद इन 10 सेकंड्स आप बनेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का जो सेशन है आप बिल्कुल जाके देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको बताया गया है कि आप कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं विद इन 10-20 सेकंड्स। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, जो 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 स्टूडेंट्स हमारा पूरा क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको डेफिनेटली फायदा होने वाला है।
तीन क्रमागत विषम संख्याओं थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम 33 है तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? तीन कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज मतलब एक्स एड एक्स मान लेते हैं एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू इक्वल टू 33 है तो एक्स 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 कितना हो गया 3x धन 3 बराबर 33 और यहाँ से x बराबर आपका 11 हो जाएगा 11 माइनस 1 तो x मान 10 हो गया और सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो x प्लस 2 इक्वल टू 12 हो गया। इस तरीके से अगर मैं इसको शॉर्ट कट करना चाहूँ तो इसका बाय 3 कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों देख लीजिए तो बीच में 11 11 के बाद क्या आता है 12 और 10 तो बड़ी संख्या क्या होगी 12 हो जाएगी। इस तरीके से बना सकते हैं बहुत आसान है इस तरीके से भी आप बना सकते हैं इस तरीके से आपको भी आंसर भी आता है तो ये आपका कंप्लीट होता है तीन कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अब देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है अब x इंटू वाई बराबर 1/3 है तो आपको बताना है कि 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब बराबर क्या होगा। ये व्यापम का क्वेश्चन है जो कि आया हुआ था टू अब इसका क्यूब कर दीजिए सीधा सीधा आप उठा के तो a का क्यूब क्या होता है 2x का क्यूब a का क्यूब प्लस b का क्यूब दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए 3y का क्यूब प्लस 2x इंटू 3 इंटू है ना 3 इंटू 2x इंटू 3y और ये 2x प्लस 3y इस तरीके से होता है 5 पंचे 25 पंचे कितना हो गया 125। अब देखिए दो दिया कितना हो जाएगा 8 तीन तेना होती है 27 वाई क्यूब अब x इंटू वाई का मान कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 3 अब x इंटू वाई का मान 1/3 और इसका मान कितना है 5 बराबर 125। अब देखिए 3 से 3 कट गया 3 दूनी 6 पंचे 30 तो माइनस 30 कर दीजिए तो 95 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 95 आपका कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों पहला ही ऑप्शन है तो ए आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान है अलजेब्रा क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन मैं आपको बहुत बता चुका हूँ बहुत बार है ना इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है 4 1/x गुणा वाई 1/7 इज इक्वल टू 9 देन एक्स और वाई का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था अगर आपको याद होगा तो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था 4x ये क्या हो जाएगा 4x सही बटा में है पहले चीज़ ये क्लियर रखो। अब इसको इंटू करना है 7y प्लस 1/7 जिनको भी समझ नहीं आया देखिए एक से ही 1/2 को कैसे सॉल्व करते हैं 2 × 1/2 करते हैं ना सेम चीज़ है यहाँ पर अब बराबर क्या हो जाएगा 9 ये सही बटे में है ना। अब देखिए इसको ट्रायल एरर मेथड है ए ऑप्शन था इसका 2 5 बी ऑप्शन था 5 2 सी ऑप्शन था 7 1 और डी ऑप्शन था नन इनमें से कोई नहीं तो देख लीजिए 2 रखे देखिए 4 × 8 = 9/2 पूरा 7 × 14 और 1 15/7 कहीं पर आपको इसका 9 आंसर नहीं दिखेगा तो ये तो नहीं हो सकता। 5 रखिए 5 × 20 और 1 21/5 × 7 × 14 और 1 15/7 7 × 7 दिया 3 × 5 = 5 दिया 3 दिया 9 आ रहा है तो करेक्ट ऑप्शन इसका भी होगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन अप्रोच करना है बनेगा तुरंत। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब आपको इस तरीके से दिया है क्वेश्चन 4x² - x = 2x + 1 6x - 3 इफ़ x इक्वल टू 9 9 9 9 तो आपको इसका आंसर बताना है कितना होगा। इतना बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है इफ x इक्वल टू इतना अब ऊपर से क्या कॉमन है दोस्तों 4 × x कॉमन है निकाल लीजिए 4 × x कितना हो जाएगा x क्यूब है तो 4 एक्स कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x² - 1 हो जाएगा। नीचे में देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 2x + 1 और ये 2x - 1। अब 2x + 1 a + b - b क्या होता है, x/3 a² - b² तो क्या हो जाएगा 4x² - 1। ये कट जाएगा खत्म हो जाएगा, x/3 मतलब जो भी दिया है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 इसका आंसर होता है। स्मार्ट अप्रोच दोस्तों, डायरेक्ट वैल्यू ग्रुप करोगे तो ज़िंदगी भर में नहीं आएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको बनाना है, बहुत आसानी से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अब देखिए, अब मैं जो क्वेश्चन करा चुका हूँ उसको करा नहीं रहा हूँ यहाँ पर, आप जाके मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं, पुराना वीडियो अनुपात सम अनुपात का, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए इक्वेशन वाले में, यदि शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात, शंकु दिया है यहाँ पर दो कोण्स दिया है, ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, इसका हाइट h1 मान लेता हूँ, रेडियस r1 मान लेता हूँ, इसका हाइट h2 और इसका रेडियस r2। अब क्या बोल रहा है, किसी शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात h1/h2 बराबर दिया है 1:3 एंड आयतनों, क्या बोल रहा है, व्यास बोलूँ चाहे रेडियस बोलूँ एक ही मतलब है, डायमीटर 1/डायमीटर 2 का रेशियो कितना दिया है 3/5। अब आपको पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो याद करना है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h, h1 h2 h1 और r2 r2, ये 3 और पाई कट गया, क्या हो जाएगा r1/r2 का होल स्क्वायर गुणा h1/h2। तो व्यास बोलूँ चाहे इसको 2 r1/2 r2 लिखो एक ही मतलब है, 3/5 हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर मतलब 3×9/5×25 गुणा 1/3, एक कट गया तो 3/25 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों आपको बनाना है। चलिए ये कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद आपको नेक्स्ट देखना है। देख आपको बोला गया है कि a^b का मान जो है आपका 3:4 है, b^c का मान आपको दिया है 6:5, तो आपको a^c का मान ज्ञात करना है, सॉरी c^a का। देखिए इसको मैंने ट्रिक बताया था, 6 * 3 = 18, 6 * 4 = 24, 4 × 5 = 20। अब आपको a^b^c मिल गया, आप c का मान यहाँ से उठा लीजिए 20 और a का मान यहाँ से उठा लीजिए 18, तो कितना जगह 10:9 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना रहता है दोस्तों। अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, ये पटवारी एग्जाम 2016 क्वेश्चन है, a बराबर दिया है 1.9, बी बराबर दिया है 2.1, तो आपको पूछा है a² + 2ab + b² का मान क्या होगा, आप जानते हैं क्या होता है a + b का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए 4 आएगा, तो 4² = 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। विद इन 10-20 सेकेंड्स आपसे क्वेश्चन बनेंगे, इसकी गारंटी है दोस्तों, अगर आप पूरे सेशंस आपने अटेंड किए हैं तो क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपका टेस्ट का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, आज संडे को टेस्ट का सॉल्यूशन आ जाता है आपका, उसके बाद मंडे को हम चालू करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस के बाद जो हमारे टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट्स मैं दूंगा, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो नेक्स्ट वीक में हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा टाइम एंड वर्क। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में इसमें मैं डिस्काउंट को इंक्लूड कर दिया हूँ, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को मैं एक ही साथ पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं टाइम एंड वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग जुड़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और समय समय पर आपको जो अपडेट आते हैं उनकी जानकारी